दुनिया के सबसे बड़े कुंफू मास्टर बोधी की हड्डियां हासिल करने के लिए खून की होली खेली जा रही थी। माना जाता था जिसके पास भी बोधी की हड्डियां होंगी वो सबसे ताकतवर कुंफू मास्टर बन जाएगा और कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। ये हड्डियां दो हिस्सों में बटी थी। सभी उन हड्डियों की तलाश में होते हैं और इन हड्डियों के पीछे डार्क स्टोन नाम का एक असैसिन्स का ग्रुप भी था। हड्डियों का एक हिस्सा मिनिस्टर जैंग के पास होता है। कहानी की शुरुआत में डार्क स्टोन के असैसिन्स मिनिस्टर जैंग के घर पर हमला कर देते हैं और मिनिस्टर और उसके बेटे को मार देते हैं और इन सब के बीच उनकी एक साथी ड्रिजल बोधी की हड्डियां लेके चली जाती है। डार्क स्टोन का लीडर ड्रिजल के सर पे इनाम रख देता है। इसके बाद कुछ असैसिन साथ मिलके काम करने लगते हैं ड्रिजल को मारने के लिए। फिर एक दिन वो ड्रिजल का रास्ता रोकते हैं पर ड्रिजल का कुंफू इतना बेहतर होता है कि वो उन सबको आसानी से मार देती है। उसके बाद वो एक डॉक्टर के पास जाती है और उससे अपना चेहरा बदलने को कहती है। तभी दिखाते हैं ड्रिजल को याद आता है जब वो बोधी की हड्डियां लेके मिनिस्टर के घर से भाग रही थी तो उसे एक मॉन्क मिला था जिसके साथ उसने कुछ समय बिताया और वो उससे प्यार करने लगी थी। वो ड्रिजल को चार मूव्स दिखाता है और कहता है इन्हीं चार मूव्स से तुम्हारी मौत होगी। वो ड्रिजल से कहता है कल वो वापस मंदिर जा रहा है जिससे ड्रिजल गुस्सा हो जाती है। वो कहती है वो उस मंदिर में सबको मार देगी। इसके बाद वो ड्रिजल को इस मार काट के रास्ते से हटाने के लिए और उसे समझाने के लिए उससे लड़ने लगता है और अपनी जान दे देता है। मरते मरते वो उसे बुद्धा के रास्ते पर चलने को कहता है। वो उसे बोधी की हड्डियां मंदिर के पुजारी को देने को कहता है। इसके बाद सीन दिखाते हैं जब ड्रिजल उस डॉक्टर से अपना चेहरा बदलने को कहती है। डॉक्टर उसकी सर्जरी करता है। सर्जरी के बाद वो अपना नाम बदल लेती है और जैंग बन के एक घर किराए पे लेती है। इसके बाद वो उस मंदिर में जाती है और उस पुजारी से मिलती है। वो किसी आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी रही होती है। तभी शहर का सीन दिखाते हैं जहाँ जियांग नाम का एक आदमी कोरियर का काम करता था। वो अपनी लैंडलेडी को किराया देता है। जैंग की दुकान भी वहीं होती है। तभी बारिश होने लगती है और जैंग अपना सामान संभालने लगती है। जियांग उसकी मदद करता है। आंटी जैंग को जियांग के बारे में बताती है। वो भी अभी कुछ टाइम पहले ही शहर आया है। इसके बाद आंटी जैंग से कहती है आज कुछ लड़के उसे देखने आने वाले हैं लेकिन जैंग मना कर देती है। आंटी कहती है पर मैं उनसे पैसे ले चुकी हूँ एक बार मिल लो मिलने में क्या जाता है। इसके बाद आंटी जैंग को लड़के दिखाने ले जाती है। वो उसकी शादी के लिए रिश्ते लाई होती है। कोई कुली होता है तो कोई बुचर। सब बड़े अजीबो गरीब होते हैं। जैंग कहती है यहाँ कोई ऐसा है जिससे तुमने पैसे नहीं लिए हैं। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहीं बाजार में एक दुकान दिखाते हैं जिसका मालिक है फैटी चैन। वो डार्क स्टोन का असैसिन है। वो यहाँ शहर में छुप के रह रहा था ताकि हड्डियों का पता लगा सके। तभी वहाँ लीबिन के साथ उनका लीडर वील्किंग आता है। वो फैटी चैन से ड्रिजल के बारे में पूछता है। फैटी चैन कहता है उसका कुछ पता नहीं चला शायद वो शहर से बाहर चली गई है। वील्किंग उससे हड्डियों के दूसरे हिस्से के बारे में पूछता है। फैटी कहता है वो उसका पता लगा रहा है। ड्रिजल की जगह जो लेगी उसका पता चल गया है और मैजिशियन उसके पास है। तभी एक लड़की को दिखाते हैं जिसने शादी के बाद अपने पति को और उसके माँ बाप को मार दिया होता है और उसे मौत की सजा दी जाती है। जब वो जेल में होती है तो मैजिशियन उसके पानी में कुछ मिला देता है जिससे गार्ड्स को लगता है वो मर गई है और वो लोग उसे दफनाने ले जाते हैं। पर डार्क स्टोन के लोग उसे कब्र से बाहर निकालते हैं। वील्किंग उससे कहता है आज से तुम हमारे लिए काम करोगी। वहीं सिटी में जियांग को दिखाते हैं। उसे जैंग पसंद होती है। आंटी जैंग से पूछती है तुम्हें जियांग कैसा लगता है। वो बताती है जियांग उसके बारे में पूछ रहा था। इसके बाद एक बूढ़ा आदमी जियांग को एक लेटर डिलीवर करने को कहता है। जब जियांग लेटर पहुंचाता है तो उस पर लिखा होता है लेटर देने वाले को मारने के लिए। इसके बाद वो आदमी जियांग की नाक तोड़ देता है। तभी मौसम बिगड़ने लगता है। आंटी कहती है मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कोई तुम्हारी मदद के लिए आ जाए। तभी जियांग भागता हुआ वहाँ आता है और जैंग की मदद करता है। इसके बाद वो एक दुकान के बाहर खड़े होते हैं। दुकानदार उनसे चाय पीने को कहता है पर जियांग के पास उतने पैसे नहीं होते तो वो मना कर देता है। वो खराब मौसम में भी काम करता है ताकि अगली बार उसके पास चाय के लिए पैसे हों। फिर एक दिन बारिश में वो उसी दुकान पे खड़ा होता है और जैंग वहाँ आती है। इस बार वो दोनों साथ में चाय पीते हैं। जैंग उसे दूर से देखती है कैसे वो उसकी मदद करता है और धीरे धीरे वो उससे प्यार करने लगती है। वो उसी पुजारी के पास जाती है और पूछती है क्या वो फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकती है। जिस पे वो पुजारी कहता है उसे उसके दिल की सुननी चाहिए। अगर उसका दिल ये चाहता है तो उसे ये करना चाहिए। इसके बाद वो जियांग से पूछती है क्या वो उससे शादी करेगा और वो दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद दिखाते हैं फैटी मर चुका होता है। किसी ने उसे एक ही वार से मार दिया होता है। एक आदमी वील्किंग को बताता है ये उनका चौथा आदमी है जो पिछले 6 महीने में मारा गया है। वील्किंग कहता है जिसने इसे मारा है उसने तलवार इस्तेमाल की है लेकिन मशेडी की तरह अपनी पहचान छुपाने के लिए। वो पूछता है क्या वो यहाँ से कुछ ले गए। उसका आदमी बताता है वो पैसों के हिसाब किताब की फाइल ले गए हैं। वो बोधी के रिमेन्स के बारे में पूछता है। उसका आदमी बताता है उन्हें एक चिट्ठी मिली है जिसमें एक दूसरे राज्य ने 2 असैसिन्स को भेजा है और वो दोनों यहाँ बैंक में किसी जैंग नाम के आदमी से मिलने आ रहे हैं। जियांग और जैंग खाना खा रहे होते हैं। जियांग जैंग को एक बैंक नोट दिखाता है
वो कहता है हमें कल ये बैंक जाके कैश करवाना है। अगले दिन वो दोनों बैंक जाते हैं। जियांग कैशियर से कैश लेता है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। वो वहाँ बोधी की हड्डियाँ ढूंढने आए होते हैं। वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को बेहोश कर देते हैं, लेकिन जैंग जियांग को बचा लेती है और खुद भी बेहोश होने का नाटक करती है। इसके बाद उनका लीडर लॉकर रूम में जाता है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी एक आदमी कहता है पुलिस आ रही है। वो अपने आदमियों से सबको मारने को कहता है। वो लोग वहाँ सबको मारने लगते हैं। तभी जियांग होश में आने लगता है और वो खड़ा हो जाता है। वो लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर जैंग उसे बचा लेती है। उनका लीडर कहता है अगर जैंग का काम हो गया है तो वो यहाँ से जा सकती है, पर वो अकेले वहाँ से जाने से मना कर देती है। इसके बाद वो उन सबकी आंखें नोच लेती है और पुलिस के आने से पहले जियांग को लेके वहाँ से चली जाती है। घर आकर जियांग उससे कहता है तुम पहले क्या करती थी इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी बीवी हो। इसके बाद दिखाते हैं डार्क स्टोन ने उस बैंक को लूटने आए लोगों को पकड़ रखा होता है। व्हील किंग उनके लीडर से पूछता है जिस लड़की से तुम लड़े थे उसने कैसे हमला किया तुम पे। इसके बाद वो उसी तरह से उसकी तलवार ले लेता है जैसे जैंग ने उससे ली थी। इसके बाद वो पूछता है उसने तुम्हारी आंखें कैसे नोची, और वो समझ जाता है ये काम ड्रिजल का है। वो अपने एक आदमी से कहता है टॉक लीबिन और मैजिशियन को यहाँ बुलाओ। उसके आदमी इशारा करते हैं। इसके बाद मैजिशियन और लीबिन को दिखाते हैं जो भेस बदल के शहर में रह रहे थे। लीबिन की एक बीवी होती है। वो उससे कहता है उसे कुछ काम है और वो कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा। अगले दिन जियांग घर आता है और उसे टेबल पर ब्लैक स्टोन्स देखते हैं जिन्हें देख के वो थोड़ा परेशान हो जाता है। वहीं जैंग को बाजार में लीबिन दिखता है। वो भागते हुए अपने घर पहुंचती है, पर जियांग वहां नहीं होता। जियांग उसके बाद घर आता है और कहता है उसे भूख लगी है। जियांग ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ नहीं पता, और वो अभी घर आया है। वो एक कैंडल जलाती है जिससे जियांग बेहोश हो जाता है। वो उसे बिस्तर पर लिटा देती है और अपनी तलवार निकालती है। इसके बाद वो घर की खिड़कियां खोल के इंतजार करती है। तभी वहां लीबिन मैजिशियन और टॉर्क आते हैं। टॉर्क कहती है क्या तुम ही ड्रिजल हो, और उस पर हमला कर देती है। जैंग उसका जवाब देती है। तभी उनका लीडर व्हील किंग वहां आता है और सब रुक जाते हैं। वो ड्रिजल से कहता है उसे बोधी की हड्डियां चाहिए। अगर ड्रिजल ने उसकी मदद की दूसरे हिस्से को हासिल करने में तो वो उसको और उसके पति को जाने देगा। इसके बाद जियांग को दिखाते हैं। वो अभी भी बेहोश होता है। जैंग उसके साथ होती है। अगले दिन मैजिशियन ड्रिजल और लीबिन यूनाइटेड बैंक के बाहर उन दो असैसिन्स का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां जैंग को दिखाते हैं। वो बहुत अमीर होता है लेकिन वो चल नहीं सकता, और उसी के पास हड्डियों का दूसरा हिस्सा होता है। इसके बाद ड्रिजल बोधी की हड्डियां लेने जाती है। तभी टॉक उसके घर आती है। जब जियांग घर पहुंचता है तो जमीन पे टॉक के कपड़े पड़े होते हैं। वो उसके कपड़े उठाकर बाहर फेंक देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है देखो मेरे घर में एक पागल लड़की है जिसने कुछ नहीं पहना है। इसके बाद वो वहां से भाग जाती है। वहीं वो दोनों असैसिन जैंग से मिलते हैं। वो जैंग को हड्डियों का दूसरा हिस्सा बेचने आए होते हैं जो कि नकली होता है, लेकिन जैंग को ये पता चल जाता है। इसके बाद वो दोनों असैसिन जैंग और उसके आदमियों को मार देते हैं, और उन दो असैसिन में से वो लड़की अपने साथी को भी मार देती है और असली बोधी की हड्डियां लेके वहां से भागने लगती है। मैजिशियन उसका पीछा करता है और उसे मार के हड्डियां ले लेता है। तभी ड्रिजल भी वहां पहुंचती है। मैजिशियन को ये हड्डियां अपने लिए चाहिए थी, वो व्हील किंग को धोखा दे रहा था। तभी लीबिन और व्हील किंग वहां आ जाते हैं। मैजिशियन कहता है अगर वो तीनों मिल जाएं तो व्हील किंग को आसानी से हरा देंगे, और इसके बाद ड्रिजल अपने पति के साथ रह सकती है और लीबिन जो चाहे वो कर सकता है। मैजिशियन को सिर्फ हड्डियां चाहिए होती हैं, लेकिन ड्रिजल हड्डियां वहां छोड़ के व्हील किंग से कहती है आज के बाद उसका डार्क स्टोन से कोई रिश्ता नहीं है, और वो वहां से जाने लगती है। पर तभी टॉक आ जाती है और ड्रिजल का रास्ता रोकती है। इसके बाद मैजिशियन और व्हील किंग लड़ने लगते हैं और टॉक ड्रिजल पे हमला कर देती है। ड्रिजल उसे मार सकती थी पर वो ऐसा नहीं करती। इन सब के बीच लीबिन वहां खड़ा होता है। मैजिशियन उससे कहता है टॉक को मारो और व्हील किंग को मारने में मेरी मदद करो, लेकिन लीबिन ड्रिजल से लड़ने लगता है और इस बीच व्हील किंग मैजिशियन को मार देता है। तभी व्हील किंग कहता है तुम दोनों में से कोई भी ड्रिजल को नहीं हरा सकता, पर इसकी तलवारबाजी में कुछ कमी है। इसके बाद वो ड्रिजल पे हमला कर देता है। ड्रिजल घायल हो चुकी थी और उसे वहां से भागना पड़ता है। वो ड्रिजल की तलवार टॉक को दे देता है। इसके बाद ड्रिजल घर आती है। वो जियांग को कहती है उसे ये शहर छोड़ के जाना होगा। वो कहती है अगर मैं जिंदा नहीं बची तो मेरे बारे में तुम्हें जो भी जानना है वो मंदिर के कब्रिस्तान में मिलेगा, और ऐसा कह के वो बेहोश हो जाती है। जियांग उसे बिस्तर पर लिटाता है। वो घर की खिड़कियां हटाता है और घर के अंदर खोदने लगता है। तभी लीबिन और टॉर्क वहां आते हैं। जियांग पूछता है क्या तुम लोगों ने मेरी वाइफ को चोट पहुंचाई। टॉर्क कहती है पहले किसे मारूं, तुझे या तेरी बीवी को। इसके बाद जियांग जमीन के अंदर से एक तलवार निकालता है। काफी वक्त से वो तलवार वहीं थी, उसमें धार भी नहीं होती। इसके बाद वो उसकी धार तेज करता है और लीबिन उस पर हमला कर देता है। जियांग अपना चाकू निकालता है जिसे देख के ली उसे पहचान लेता है। वो मिनिस्टर जैंग का बेटा है। ली कहता है पर तुम तो मर चुके थे। इसके बाद वो लीबिन और टॉक से लड़ता है
और लास्ट में ली को अपनी तलवार से घायल कर देता है, पर टॉक वहां से भाग जाती है। इसके बाद दिखाते हैं ली अपने घर पहुंचता है और वहां मर जाता है। जियांग विलकिंग के कमरे में जाता है और बोधी की हड्डियां चुरा लेता है। इसके बाद विलकिंग को दिखाते हैं, उसका असली नाम चाओ फेंग है और वो महल का एक नौकर है। तभी जियांग वहां आता है, उसे पता है चाओ ही विलकिंग है। वो उसे रात को टेम्पल में आने को कहता है। विलकिंग पूछता है, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? जियांग उसे फैटी से चुराए हुए कागज दिखाता है। जियांग ने ही उसे मारा था और विलकिंग कौन है ये जानने के लिए उसने वो कागज चुराए थे। विलकिंग उसकी तलवार देख कर समझ जाता है वो मिनिस्टर जैंग का बेटा है। वो पूछता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी कौन है? जियांग उससे कहता है, अगर वो नहीं आया तो उसे बोधी की हड्डियां कभी नहीं मिलेंगी। इसके बाद जियांग डॉक्टर से कहता है, अगर मैं वापस नहीं आया तो जैंग को मत बताना मैं कौन था। वो मंदिर के कब्रिस्तान पहुंचता है, उसे एक कब्र के अंदर से जैंग की छुपाई हुई चीजें मिलती हैं और उसे पता चल जाता है वही ड्रिजल है जिसने उसके पिता को मारा था। वहीं ड्रिजल भी होश में आ जाती है और डॉक्टर उसे सब बता देता है। वो जियांग से मिलने आती है, जियांग उसे अपना असली नाम बताता है। फिर वो उसे बताता है जब ड्रिजल उसे मार के चली गई थी तो वो जिंदा था और बारिश के पानी में बहकर वो एक आदमी को मिला जो उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसे बताया वो इसलिए बच पाया क्योंकि उसका दिल दूसरी तरफ है। इसके बाद उसने डॉक्टर से उसका चेहरा बदलने को कहा। डॉक्टर ने ही उसे जैंग के बारे में बताया था और जैंग का पीछा करते करते वो शहर तक आ गया। जैंग उससे पूछती है, क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया? जियांग कहता है, कभी नहीं, मैं सिर्फ तुमसे और डार्कस्टोन से बदला लेना चाहता था। तुमने मेरे पिता को मारा है, मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ? लेकिन जियांग उसे मार नहीं पाता और उसे वहां से जाने को कहता है। वो कहता है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तभी ड्रिजल उस पर हमला करती है। जब वो ड्रिजल को मारने आता है तो ड्रिजल को उसमें उसी मॉन्क की झलक दिखती है जिससे उसे प्यार हुआ था। कुछ टाइम बाद विलकिंग वहां आता है और देखता है वहां जियांग मरा हुआ होता है, बोधी की हड्डियां भी वही होती हैं। इसके बाद ड्रिजल और विलकिंग लड़ने लगते हैं। विलकिंग के कुंफू के सामने ड्रिजल का कुंफू कुछ भी नहीं था क्योंकि उसी ने ड्रिजल को तलवारबाजी सिखाई थी और वो उसकी कमजोरी जानता था। वो उसकी तलवार ले लेता है। वो कहता है, आज मैं तुम्हें पूरी तलवारबाजी सिखाऊंगा। और ड्रिजल को उसी मॉन्क की बात याद आती है जिसमें उसने उसको वो चार तरीके बताए थे जिनसे उसकी मौत होगी और उनसे कैसे बचना है ये भी बताया था। वो उन्हीं तरीकों को यूज करके विलकिंग से लड़ती है और उसे घायल कर देती है और आखिर में उसे मार देती है, पर इसमें वो भी बहुत घायल हो गई थी। तभी दिखाते हैं जियांग को होश आता है। ड्रिजल ने जियांग को एक गोली दी थी जिससे उसकी दिल की धड़कन और सांसें रुक जाएंगी, पर वो मरेगा नहीं। इससे विलकिंग को लगेगा कि वो मर चुका है। वो कहती है वो उसके पिता की मौत का बदला लेगी और विलकिंग को मार देगी। वो जियांग से कहती है, मेरे मरने के बाद यहां से दूर चले जाना और एक नई जिंदगी शुरू करना। उसे पता होता है जियांग का दिल दूसरी तरफ है और वो उसे चाकू मार देती है। कुछ देर बाद जियांग को होश आता है और वो ड्रिजल के पास आता है। ड्रिजल मरी नहीं होती, उसकी सांसें अभी भी चल रही होती हैं। वो ड्रिजल को माफ कर देता है और उसे लेके वहां से चला जाता है। और ये कहानी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये फिल्म कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ।